यहाँ पे आए बैठे हैं बस, एक बीवी तो चार बच्चे, दैट्स इट। इसके लिए ऐड लिया था एक बीवी और चार बच्चों के लिए। मैं इसको खानदानी मजहब कहता हूँ, ये कोई इस्लाम नहीं है, कोई 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 क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म चल रहा है, एक खानदानी मजहब चल रहा है दुनिया में बस, कि मेरा जो टोटल स्कोप है वो मेरे खानदान है बस, दैट्स इट। मेरे माँ बाप, मेरी बीवी, मेरे बच्चे बस, मेरे बहन भाई बस, दैट्स इट। उसके अंदर मैं मोमिन हूँ, उनके लिए मैं मोमिन हूँ, उनके लिए मैं साहबी हूँ, उनके लिए मैं कुरान का कारी हूँ, उनके लिए मैं स्कॉलर हूँ, उनके लिए मैं टीचर हूँ, उनके लिए मैं यू नो जान देने वाला सलाउद्दीन अयूबी हूँ, किसी और के लिए मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा सेल्फिश आदमी हूँ दुनिया का, बल्कि उन्हीं उनको बाकियों का मेरे से खतरा है, क्योंकि जो छुरी की धार मैंने तेज करके रखी है उससे मैं बाकियों को काटता हूँ, और कहाँ पे वो गोश्त लेके अपने घर आके बच्चों को खिलाता हूँ। लिटरली दिस इज द एक्सटेंट ऑफ द लॉप साइडेडनेस। ये एक मतलब तूफान है जो माँ और बाप के अलावा और कोई नहीं है जो उसका जिम्मेदार है, जो कि अपने बच्चे को सेल्फ सेंटर्ड, खुद परस्त, लिटरली खुद परस्त या खानदान परस्त बना रहा है बस। और ये पाकिस्तान इंडिया में नहीं, खाली दुनिया पूरी में ऐसे हो रहा है। अब्दुल सत्तार एज़ादी की क्यों मैं बार बार मिसाल दे रहा हूँ, उसकी माँ थी जो कहती थी, खुद लिखा है ना उसने, स्कूल जाने से पहले बेटा दो आने दे रही हूँ, एक आना अपने लिए, एक किसी को देने के लिए दे रही हूँ तेरे, दो साल दूसरी जमात के बच्चे को ऐसी ट्रेनिंग मिल रही हो तो बड़े होकर ईदी निकलना ना। ऐसी माएँ, कमज़ोर माएँ बुजदिल बच्चे पैदा करती हैं और ताकतवर माएँ बहादुर बच्चे पैदा करती हैं, बस ये बेसिक रूल है। 20 साल के लड़के लड़कियाँ सुन रहे हैं, दे बेटर अंडरस्टैंड, यू आर नॉट डॉग्स एंड शीप्स एंड कैटल, इवन दे आर बेटर। वो भी अपने कबीले पर नहीं किसी को आने देते हैं। आज आप नेशनल जियोग्राफिक या एनिमल प्लानट देखें, हमसे बेहतर स्टैंडर्ड पे वो रह रहे हैं, एनिमल प्लैनेट वाले अफ्रीका में हमसे बेहतर स्टैंडर्ड पे रह रहे हैं। आप देखें जब झुंड के झुंड आते हैं ना, विल्डर बीस्ट के, शेर आके हमला करता है, सब हमला कर देते हैं उसके ऊपर, अपने कबीले का इतना बड़ा, वो कजन्स होते हैं वो सारे, आई मीन आर द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नो दे जस्ट नो दैट यू नो दिस इज दैट डिजाइन, दे आर फॉलोइंग द डिजाइन दैट यू नो दे वर क्रिएटेड अपॉन, वी आर द सेम डिजाइन। हम तो खैर मुसलमान हैं, हमारा तो रैंक ही ऊपर होना चाहिए।